गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 7 अप्रैल पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। एक बार देख लेते हैं जो टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीसी 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_luthra पे मुझसे पूछ सकते हैं। टॉपिक्स देख लीजिए, जो 10 टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे ली पेरोस के साथ, देन यहाँ पे इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में डिस्कशन होगा। एनएसए को डिस्कस करेंगे, स्पाइस बोर्ड, आईएनएस विराट, वेरियस एक्सरसाइज, संकल्प से सिद्धि डिस्कशन करेंगे, ट्राई फूड स्कीम के बारे में जानेंगे, सदाबहार मैंगो को डिस्कस करते हुए हम एक पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन भी करने वाले हैं। और पिछले काफी दिनों से मैं आपको यही कह रहा हूँ, जब मैंने सर्वे कराया तो ये पता चला कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मॉक टेस्ट को कंसिस्टेंट बेसिस पे कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको यही कहा कि अभी मॉक टेस्ट को लगाना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कम से कम 50 मॉक टेस्ट तो आपको एग्जाम से पहले लगा के जाने ही है, ताकि एक वो कंफर्टेबल लेवल आपका अचीव हो जाए जब प्रीलिम्स का पेपर आपके सामने आता है तो, ठीक है। लेकिन 50 मॉक टेस्ट से कम लगाते हैं तो थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि वो नंबर थोड़ा सा कम हो जाता है। देखिए, ऐसा नहीं कि जिन लोगों ने 30 या 35 मॉक टेस्ट लगाए उनका एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन 50 मॉक टेस्ट एक अच्छा नंबर होता है। जब आप 50 मॉक टेस्ट करके जाते हैं तो प्रीलिम्स का पेपर जब आपके सामने आता है तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स उसमें से आपकी ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होती हैं। एलिमिनेशन मेथड के बारे में आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होते हैं, कैसे क्वेश्चन को ठीक करना है वो भी आप अच्छे से समझ चुके होते हैं। तो 50 मॉक टेस्ट को कोशिश करिएगा, एंड दिस इज द टाइम फॉर यू। आप ऐसा कर सकते हैं, एक दिन आप मॉक टेस्ट लगाएं और अगले दिन उसे एनालाइज करें। ये आप तब करें जब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मॉक टेस्ट 2 घंटे में लग जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और एनालिसिस करने में 2 से 3 घंटे का टाइम आपको लगेगा, राइट। आप एक तो ये पैटर्न अपना सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आपको ज्यादा करने हैं तो मॉक टेस्ट और एनालिसिस दोनों को एक ही दिन में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक दिन के अंदर 5 घंटे का टाइम अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये भी आपकी स्ट्रैटेजी सही रहेगी जब आप 2 घंटे देते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं और अगले दिन 2 घंटे के अंदर उसे एनालाइज करते हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा आपको कि जब आप मॉक टेस्ट लगाएं तो यहां पर टारगेट 1.5 घंटे का लेके चलें, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट में आप 1.5 घंटे में कंप्लीट करते हैं तो एक्चुअल जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो आप 1 आवर 45 मिनट्स, 1 आवर 50 मिनट्स में कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर प्रेशर और भी ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ये चीजें तभी हो पाएंगी जब आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पे क्या होगा, वहां पे कोई भी ये नहीं पूछेगा कि कौन सी किताब पढ़ के आए। वहां पर आपके सामने एक टेस्ट ही रखा जाएगा, 100 क्वेश्चन का एक पेपर रखा जाएगा, तो उसकी तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करके जानी है। जितनी आपने बुक्स पढ़ी है उसकी नॉलेज को आप कैसे अप्लाई करना है ये आप मॉक टेस्ट के थ्रू सीखेंगे। और इसी वजह से मैंने आपको लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट किया था यूपीएससी टेस्ट सीरीज में, और यही चीज अच्छी भी है कि मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद पिछले 4-5 दिनों में बहुत सारे लोगों ने एनरोलमेंट जो है वो इसमें शुरू किया है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि एनरोलमेंट के बाद टेस्ट को देना भी शुरू करिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग के बारे में भी पता चलेगा, आपको अपनी स्टैंडिंग के बारे में भी पता चलेगा। आप प्री 50 कोड को यूज कर लीजिएगा और इन टेस्ट सीरीज को एनरोल करा के टेस्ट करना शुरू कर दीजिएगा, और अपने मार्क्स को जरूर देखिएगा और उसे कैसे इंप्रूव करना ये चीज जरूर एनालाइज करिएगा। जल्दी से टारगेट सेट करें, कितना टारगेट सेट करके चलेंगे आज के 10 क्वेश्चन के लिए, 6 जो है ये हमारी कट ऑफ रहती है। 6 से ज्यादा स्कोर होता है ऑफकोर्स देन यू विल बी इन द सेफ जोन, आप सेफ जोन में आ जाएंगे। लेस देन 6 में ऑफकोर्स यू विल बी इन द डेंजर जोन। कोशिश करिएगा एक्सेलेंट ब्रैकेट में आने की, और वैसे भी जब आप सेकंड या थर्ड टाइम देखेंगे तो अपने मार्क्स को भी इंप्रूव कर पाएंगे और अपने नोट्स भी बना पाएंगे। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट इंडिया कंडक्ट्स ला पेरोस एक्सरसाइज विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो किस कंट्री के साथ इंडिया इन्वॉल्व होता है इस ला पेरोस एक्सरसाइज के अंदर? क्या फ्रांस के साथ, इजराइल, जर्मनी या साउथ अफ्रीका? सोचिए। चलिए देखिए, अभी रिसेंटली इंडिया का जो नेवी शिप है INS सतपुड़ा नाम है उसका, और INS किल्टा अलोंग विद P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके अंदर, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ला पेरोस है इसमें ये ईस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर कंडक्ट कराई जाएगी। अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आज इसका फाइनल अल्टीमेट डे है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से एक्सरसाइज वहां पर कराई जा रही है, ठीक है। फर्स्ट एडिशन जो था ला पेरोस का जॉइंट एक्सरसाइज का, ये फ्रांस ने शुरू किया था 2019 के अंदर, और तब इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस यहां के शिप्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, और अभी जो है इस बार इंडिया ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, और इंडिया की तरफ से INS सतपुड़ा एंड किल्टान ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। आंसर क्या हो जाएगा, ए फ्रांस विल बी द करेक्ट आंसर। कहां पे हो रही है, ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन के अंदर। 3 दिन की एक्सरसाइज थी, 5 तारीख, 6 तारीख और आज का जो दिन है 7 तारीख, तो आज ये फाइनली कंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। 3 दिन से लगातार इस एक्सरसाइज को करा जा रहा है, नेवल एक्सरसाइज है। चलिए चलते हैं। अब वैसे एक चीज और भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखिए फ्रांस का इस रीजन में आने का मतलब नहीं समझ में आता है, राइट। लेकिन फ्रांस भी जो आपका इंडियन ओशन है इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतित है, ठीक है। हम क्वाड की बात करते हैं, क्वाड के अंदर कौन कौन है, यूएस है, इंडिया है, जापान है, और कौन है, ऑस्ट्रेलिया है।
लेकिन यूरोपियन कंट्रीज भी जो है अब वो भी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपना इंटरेस्ट शो कर रही है और कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने की बात कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, बात करता है व्हाट इज द 2021 थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो 2021 में जो इंटरनेशनल डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं किस चीज का, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने का, इसका थीम आपको बताना है। ठीक है, एवरी ईयर इसे ऑब्जर्व किया जाता है लेकिन थीम जो है, डेट आपसे कोई नहीं पूछेगा। देखिए, अगर आप पीसीएस या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर हो सकता है आपसे डेट पूछ ली जाए कि किस दिन को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन थीम जो होगा यूपीएससी पूछ सकता है क्योंकि पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेट्स यूपीएससी नहीं पूछता है लेकिन थीम्स पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिए, एवरी ईयर 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, 21 मार्च के आसपास जब न्यूज आई थी तब भी ये चीज काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी, न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन किया गया था, अभी रिसेंटली भी इसे न्यूज़पेपर में पाया गया था। तो मुझे थीम जो था वो अलग सा दिखा और मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको यहां पर प्रेजेंट करके दिया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दैट इज यूएनजीए, इसने 1966 के अंदर प्रोक्लेम किया था कि 21 मार्च को हम इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हर साल कोमेमोरेट किया जाएंगे। तो किसने कहा था, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1966 से इसे ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं। और अगर हम थीम की बात करें, इस बार जो थीम है वो है यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं क्या बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के बारे में पूछा कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है NSA empowers the state to detain a person without formal charge and without trial। तो किसी फॉर्मल चार्ज के बिना बिना ट्रायल के डिटेंशन करा जा सकता है NSA के अंदर। NSA इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। NSA कैन नॉट बी इन्वॉक व्हेन पर्सन इज ऑलरेडी इन अ पुलिस कस्टडी, अगर वो ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में है तो NSA को इन्वॉक नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन बनाने का रीजन ये भी है क्योंकि जब आप DM बनेंगे, स्टार्टिंग में तो ADM बनेंगे, ADC बनेंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर भी आपको NSA के बारे में नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि वहां पर जो ऑर्डर्स होते हैं इसको लेकर वो आप ही को पास करने हैं। नाउ सोचें इसके बारे में, फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 जो है, ये अभी न्यूज में था, इसमें बताया गया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखा जाता है और जैसे ही वो रिलीज होते हैं और अगर किसी को बेल मिलती भी है तो वो रिलीज होने वाले होते हैं, उन्हें दोबारा से NSA लगाकर जुडिशियल कस्टडी के अंदर डाल दिया जाता है। ये पूरी न्यूज थी, लेकिन देखिए कंट्रोवर्सी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर एग्जामिनेशन जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। यहां पर होता क्या है, देखिए NSA लगाया जाता है जब आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन करनी होती है, और यहाँ पे पहली जो दो स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसमें एक मिलती जुलती चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, NSA एम्पावर करता है स्टेट को टू डिटेन अ पर्सन विदाउट फॉर्मल चार्ज एंड विदाउट ट्रायल, विदाउट ट्रायल विदाउट फॉर्मल चार्ज के डिटेंशन किया जा सकता है, और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन भी इसके अंदर रहता है। इसके अंदर होता क्या, देखिए जब कोई भी व्यक्ति पुलिस कस्टडी में भी है तो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दोनों में से जो भी उपाधि उसे मिली हुई है, वो NSA को इन्वोक कर सकता है उस व्यक्ति के अगेंस्ट में। ठीक है, तो NSA कैन नॉट बी इन्वोक व्हेन पर्सन इज ऑलरेडी इन पुलिस कस्टडी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। DM चाहे DC चाहे तो वो NSA को तब भी इन्वोक कर सकता है। एट द सेम टाइम जब किसी व्यक्ति को बेल मिल जाती है, ठीक है, और बेल मिलने के बाद अब उसकी रिहाई होने वाली होती है, लेकिन उसकी रिहाई को रोकने के लिए NSA उसके ऊपर लगाया जा सकता है और उसको दोबारा से जेल में डाल दिया जाता है या फिर उसे दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इफ द पर्सन हैज बीन एक्विटेड बाय द कोर्ट, सेम पर्सन को डिटेन दोबारा से किया जा सकता है NSA लगाकर। ठीक है, तो कोर्ट ने एक्विटल दे दिया उसके बाद भी NSA लगाकर उसको दोबारा से डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे NSA से प्रिवेंटिव डिटेंशन हो बिल्कुल ठीक है, एम्पावर करता है ये कि किसी पर्सन को डिटेन किया जा सके विदाउट अ फॉर्मल चार्ज विदाउट अ ट्रायल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पुलिस कस्टडी में भी इसको इन्वोक किया जा सकता है। पावर किसके पास होती है, DC DM के पास पावर होती है, और ये पुलिस के पास ये डिटेंशन ऑर्डर्स की पावर नहीं होती है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। NSA के जो ऑर्डर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होते हैं, पास्ड ईदर बाय द डिस्ट्रिक्ट या कहें डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिविजनल कमिश्नर होते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दोनों में से कोई भी इसे पास कर सकता है, लेकिन पुलिस के पास ये पावर नहीं होती है। और इसमें जो एलिगेशंस होते हैं किसी स्पेसिफिक एलिगेशंस के ऊपर, वायलेशन लॉ के ऊपर, ये ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, आपका आंसर होगा पहली जो दो स्टेटमेंट है वो ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर फोर, जो कि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया को लेकर है। पूछा कि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपको बताना है, चार मंत्रालय आपके सामने दिए, देयर आर फोर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। सोचे, स्पाइस बोर्ड इज वन ऑफ द फाइव कमोडिटी बोर्ड्स फंक्शनिंग अंडर अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, ऑटोनमस बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ 52 शेड्यूल्ड स्पाइसेस।
52 शेड्यूल स्पाइसेस जो हैं, जो एक शेड्यूल में लिखे हुए हैं, उनको यहाँ पर एक्सपोर्ट में बढ़ावा देना, कैसे उसको एक्सपोर्ट करना है, उसके एक्सपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी इसके हाथ में है। और ये आता है किसके अंदर? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। अपेडा किसके अंदर आता है? उसको भी अगर आप ध्यान दें, अपेडा और स्पाइस बोर्ड को मैं जान के साथ में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का काम क्या है? इट इज़ एन ऑटोनमस बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ 52 शेड्यूल प्राइजेस, शेड्यूल स्पाइसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्डमम। ठीक है, तो कार्डमम का डेवलपमेंट करना हो, स्पाइस का प्रमोशन करना हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन, वो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का काम है। अपेडा का काम क्या था? प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर फूड आइटम्स को एक्सपोर्ट प्रमोशन करना, वो भी किसके अंदर आती थी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती थी। तो यहां से आप पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा कि ऐसी एजेंसी जो बनाई है जो कि एग्रीकल्चर या इससे रिलेटेड आइटम्स को एक्सपोर्ट के प्रमोशन में कहीं ना कहीं रोल निभाती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 विराट को लेकर है, आईएनएस विराट को लेकर पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। आईएनएस विराट वॉज द फ्लैगशिप ऑफ इंडियन नेवी बिफोर आईएनएस विक्रमादित्य वॉज कमीशन इन 2013, हो सकता है। सेकेंड, द शिप वॉज कंप्लीटेड एंड कमीशन इन 1959 एज द रॉयल नेवीज एचएमएस हरमिस। सोचे, वैसे ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली डायरेक्टली पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे कुछ नई चीजें हैं। लेट्स सी आपको लास्ट टाइम की एक्सप्लेनेशन में से कुछ याद है कि नहीं। चलिए देखिए, आईएनएस विराट द नेवीज डी कमीशनड एयरक्राफ्ट कैरियर हैज बिकम द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ अ शिप ब्रेकर हु हैज ऑलरेडी टोन डाउन 40% ऑफ इट्स बॉडी। तो ये जो पर्टिकुलर प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुका है किसका? एक पर्टिकुलर शिप ब्रेकर कंपनी का, जो 40% इसकी बॉडी को ऑलरेडी ही तोड़ चुका है। ठीक है, चीफली इसमें स्क्रैप निकलेगा और इस तरीके से स्क्रैप को निकाल कर ही इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट टोल्ड द प्राइवेट कंपनी दैट वॉन्ट्स टू टर्न द वेसल इंटू मेरीटाइम म्यूजियम कम एडवेंचर सेंटर, की आप इसको म्यूजियम जो है वो भी बना सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। तो 40% तो ऑलरेडी से स्क्रैप डाउन किया जा चुका है, लेकिन एक प्राइवेट ग्रुप ने अप्रोच किया था और वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि बेटर ये होगा कि हम इसको म्यूजियम बना दें। फिर बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया और इसके ऊपर एक स्टे लगा दिया था, अभी वो स्टे को हटाया जा रहा है। लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में क्या इसकी जो एक अनफोल्डिंग होती है, देखते हैं कि क्या इसे म्यूजियम में तब्दील किया जाता है या फिर क्या इसे पूरे तरीके से स्क्रैप डाउन कर दिया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे देखें तो आईएनएस विराट वाज द फ्लैगशिप ऑफ इंडियन नेवी बिफोर आईएनएस विक्रमादित्य जब कमीशन किया गया था, बिल्कुल ठीक है, पहली शिप आपकी ठीक हो जाती है। जो ये शिप है इसे कंप्लीट और कमीशन किया गया था 1959 में रॉयल नेवी एचएमएस हरमिस के द्वारा। ये दो चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हम एक्सप्लेनेशन के अंदर पहले आज से आई थिंक 8 से 10 दिन पहले क्वेश्चन हमने किया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट और आईएनएस विराट न्यूज में था और तब मैंने आपको ये चीज़ें एक्सप्लेनेशन में बताई थी। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट किया था प्री 50 कोड के लिए 50% डिस्काउंट के लिए, सो दैट इज स्टिल एप्लीकेबल, इसे दोबारा से लेके आया गया है, आप प्री 50 कोड को यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल जो प्रिलिम्स की तैयारी कर रहे हो, इस बार अपना 100% देके एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, आप क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज के अंदर एनरोल करा सकते हैं और यहाँ पे प्री 50 कोड को यूज करके 50% डिस्काउंट ले सकते हैं। और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं 2022 या 2023 के लिए, तो वहां पर भी अपने रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल करा सकते हैं और वहां पर भी 50% डिस्काउंट को ले सकते हैं यूजिंग द प्री 50 कोड। तो प्री 50 कोड जो है थोड़े टाइम के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन जो लोग भी 2022, 23 या फिर 2021 के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं और जिस भी सीरीज के अंदर एनरोल कराना चाहते हैं, वहां पर आप इस पर्टिकुलर डिस्काउंट कूपन को यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। विद विच कंट्री वी कंडक्ट द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस, बताएं किस कंट्री के साथ हम ये एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है शक्ति, वरुणा, डेजर्ट नाइट, गरुड़ा, ये किसके साथ हम कंडक्ट करते हैं, जल्दी से बताएं। चलिए, तो अगर आप ध्यान दें, कुछ दिन पहले ही हमने डेजर्ट नाइट के बारे में डिस्कशन किया था, गरुड़ा के बारे में भी हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं। डेजर्ट नाइट 21 और गरुड़ एक्सरसाइज जो है दोनों ही आपकी एयर फोर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, वरुण एक्सरसाइज आपकी नेवी की, नेवल एक्सरसाइज है, शक्ति आपकी आर्मी की एक्सरसाइज है, राइट। और ये एक्सरसाइजेस हम करते हैं किसके साथ? फ्रांस के साथ। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर एक बार आप क्वेश्चन नंबर 7 पे जाने से पहले फ्रांस की लोकेशन भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें भी मैप रिलेटेड पूछी जा सकती हैं। स्पेन के साथ बॉर्डर टच हो रहा है, इटली, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम से आपका बॉर्डर टच हो रहा है, इंग्लिश चैनल आपको दिखाई दे रही होगी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशन आपको वेस्टर्न साइड में दिख रहा होगा, नीचे मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव। तो किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव को लॉन्च किया गया? केवीआईसी के द्वारा, ट्राइफेड, नीति आयोग या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए। चलिए देखिए, इस ड्राइव के अंदर होगा क्या, 150 टीम्स,
10 इन ईच रीजन फ्रॉम ट्राइफेड एंड स्टेट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी जो इसके अंदर रहने वाली है वो 10 विलेजेस को विजिट करेंगी. 100 विलेजेस जो हैं वो इसके अंदर विजिट किए जाएंगे इन ईच रीजन एंड 1500 विलेजेस पूरी कंट्री के अंदर इसमें कवर किए जाएंगे. विजिटिंग टीम्स विल ऑल्सो आइडेंटिफाई द लोकेशंस एंड शॉर्टलिस्ट पोटेंशियल वन धन विकास केंद्र को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. साथ ही साथ किसके लिए किया जाएगा, ताकि ट्राई फूड के लिए इन्हें क्लस्टर किया जा सके, स्फूर्ति जैसे प्रोग्राम जो हमारे हैं उनके लिए इन्हें क्लस्टर किया जा सके. ये जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव लाया गया है इसको लॉन्च किया गया ट्राइफेड के द्वारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिसके अंतर्गत वेरियस टीम्स जो है वो बनाई जा रही है. तो 150 टीम्स 10 इन ईच रीजन फ्रॉम ट्राइफेड एंड स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, 100 विलेजेस इन ईच रीजन एंड 1500 विलेजेस इन एंटायर कंट्री कवर किए जाएंगे. बी हमारा यहां आंसर हो जाएगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन ट्राईफूड स्कीम. ट्राईफूड स्कीम के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व करती है. आपके सामने तीन मिनिस्ट्रीज के नाम हैं. पहली है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. सोचें फिर ट्राईफूड क्या है स्कीम, इसके बारे में भी जानेंगे. सोचिए क्या आंसर होगा. चलिए, ट्राईफूड स्कीम इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड ट्राइफेड. तो तीन यहाँ पे बॉडीज जो है वो इसके अंदर शामिल हैं, जिसमें हमारी कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, हमारी फूड प्रोसेसिंग है और साथ ही साथ ट्राइफेड है. आंसर तो हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे काम क्या किया जाता है, इसके अंदर जो वैल्यू एडिशन करना होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर वो यहाँ पर देखने को मिलता है. तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वैल्यू एडिशन किया जाएगा तो उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, उसको अच्छे तरीके से सेल भी किया जा सकता है, उसको प्रमोट भी किया जा सकता है. तो वन धन योजना के अंतर्गत लास्ट ईयर पिछले साल अगस्त के महीने में इसको लेके आया गया था और इसके अंतर्गत ट्राईफूड पार्क जो थे वो भी यहाँ पे एस्टैब्लिश किए गए थे और MFP दैट इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर वैल्यू एडिशन करना शुरू किया गया था. चलिए, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या बात कर रहे हैं. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सदाबहार मैंगो. सदाबहार मैंगो के बारे में तीन स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने और पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. द फ्रूट इज स्वीटर इन टेस्ट कंपेयर टू लंगड़ा. जो लंगड़ा एक आम की टाइप होती है उससे मिठास में ये ज्यादा होता है. पल्प के अंदर फाइबर काफी कम होता है. NIF हैज ऑल्सो फैसिलिटेटेड द प्लांटेशन ऑफ सदाबहार मैंगो वेराइटी इन द मुगल गार्डन एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू डेली. ये भी हो सकता है. सोचे फिर करते हैं डिस्कशन. चलिए, तो यहाँ पे जो कोटा के किसान हैं जिनके द्वारा इस नई किस्म को इजाद किया गया है, सदाबहार मैंगो इसको नाम दिया गया है, क्योंकि ये राउंड द ईयर जो है प्रोड्यूस किए जा सकते हैं. फ्रूट की बात करें तो स्वीटर है, अगर हम लंगड़ा से इसे कंपेयर करते हैं तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है. फाइबर कंटेंट इसके अंदर कम होता है तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी करेक्ट हो जाती है. और इवन क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, इस आम का साइज छोटा है, तो ऐसे कहा जाता है कि जो किचन के अंदर भी जो गार्डनिंग करी जाती है वहां पर भी इसको उगाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है. और इसी वजह से जो NIF है, दैट इज नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, उन्होंने इस आम को मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन के अंदर भी उगाना शुरू कर दिया है. ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट हमारी ठीक है. आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर. लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन किस चीज के बारे में बात कर रहा है. लास्ट क्वेश्चन बात करता है वेरियस स्टेटमेंट्स को लेकर, पर्सनैलिटी को लेकर दिए हैं और पूछा कि बताएं हम किस पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं. ये जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है एक फ्रीडम फाइटर थे. अभी तो काफी जेनरिक सी स्टेटमेंट है क्योंकि काफी सारे लोग फ्रीडम फाइटर होते हैं और यहां पर सिर्फ इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे पहचाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप चारों नाम पढ़ेंगे तो हो सकता है चारों ही आपको लगे कि यस कहीं ना कहीं फ्रीडम के अंदर, फ्रीडम को लेने में सभी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए. ही वॉज अ फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो. ओके, उनको बाबूजी के नाम से भी जाना जाता था. बताएं. चलिए, तो रिसेंटली हमारे जो प्रधानमंत्री द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ट्रिब्यूट्स पे करे हैं फ्रीडम फाइटर एंड फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है बाबू जगजीवन राम. ठीक है, उनकी 113th बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने फ्रीडम फाइटर बाबू जी जगजीवन राम को यहाँ पर अपने ट्रिब्यूट्स पे करें. तो यहाँ पे बाबू जी जगजीवन राम जो हैं वो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे. ए विल बी द करेक्ट आंसर. वो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फ्रीडम फाइटर भी थे. ठीक है, चलिए, तो पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. और वैसे भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे ट्रिब्यूट्स पे करते हैं वो पर्सनैलिटीज अपने आप ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और उनके बारे में आपको ऐसे पता होना चाहिए. चलिए, तो 10 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अभी 2 मिनट के अंदर पूरे लेक्चर को रिवाइज करते हैं और फिर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चंस को देख लेते हैं. चलिए, सो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक्टिव रिवीजन करनी है और मुझे क्वेश्चन पूछ के जो आंसर होगा वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिएगा.
इसके अलावा भी जो फैक्ट्स आप रिकॉल कर पाएं वो जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, लापरोज़ ये किसके साथ कंडक्ट करी जा रही है ये बताइएगा। और मैंने आपको ये बताया था 2019 में इसे इनिशिएट किया गया था, तब ऑस्ट्रेलिया जापान यूएस ने अपने अपने शिप्स जो थे वो भी भेजे थे इसके अंदर। हमारी तरफ से भी कौन जा रहा है, INS सतपुड़ा, INS किल्टन, P-8I लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। चलिए फिर हमारा डिस्कशन इसके बाद हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, जहाँ पे हमने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के थीम के बारे में जाना था। तो यूथ स्टैंडिंग ऑन अगेंस्ट रेसिज्म 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और 1966 से किया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसे शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारा डिस्कशन हुआ था कुछ इस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। जल्दी से मुझे बताएं कि क्या विदाउट ट्रायल इसके अंदर डिटेन किया जा सकता है, यस और नो ये बताइएगा। साथ में ये बताइएगा कि क्या इसके अंदर डीसी का रोल जो है पुलिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि यस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है वो या तो डिविजनल कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों में से कोई एक पास करता है। एट द सेम टाइम पर्सन अगर पुलिस कस्टडी में भी है तो भी डीएम चाहे तो एनएसए को इन्वोक कर सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बेल मिल भी चुकी है, एक्विटल हो भी चुका है तो भी एनएसए के अंदर बुक दोबारा से उस व्यक्ति को किया जा सकता है। देन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कशन किया था स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया कम्स अंडर किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और मैंने आपको यहाँ पे इसे अपेडा से कंपेयर करके दिखाया था कि जो अपेडा एजेंसी है वो भी आपके जो प्रोसेस्ड फूड आइटम्स होते हैं एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड आइटम्स उनको एक्सपोर्ट करने में उनका प्रमोशन करने में हेल्प करता है। उसी तरीके से स्पाइस बोर्ड जो है 52 शेड्यूल स्पाइसेस जो है उसको एक्सपोर्ट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल को निभाता है। ठीक है, इसके अंदर कार्डमम जो है उसको अलग से दिया गया है, कार्डमम भी आपका एक स्पाइस है, उसकी डेवलपमेंट में भी स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का काफी मुख्य रोल रहता है। चलिए फिर हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखा था, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारी बात हुई थी INS विराट को लेकर और यहाँ पे अभी बातचीत चल रही थी कि क्या इसका म्यूजियम बनाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। 40% ऑलरेडी से स्क्रैप किया जा चुका है। चलिए और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं देने शुरू किए, प्लीज 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 दिस इज द फाइनल कॉल फॉर यू, दिस इज द टाइम फॉर यू कि आप उसे लगाना शुरू करें, मॉक टेस्ट जो है वो लगाना शुरू करें, बिकॉज इट इज हाईली 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 इंपॉर्टेंट। किसी भी इंस्टीट्यूट के लगाएं लेकिन लगाना जरूर शुरू करें, क्योंकि एग्जाम में ये मॉक टेस्ट आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो कोशिश करें एक अच्छी जगह से आप अपने जो मॉक टेस्ट होते हैं उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद उसे देना शुरू करें। ऐसे मॉक टेस्ट हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक टेस्ट भी आपके कंप्लीट हो जाए, करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाए और फुल फ्लेज मॉक टेस्ट जो होते हैं वो भी के कवर हो जाए। और आप यहां पे pre-50 कोड को यूज कर सकते हैं जो भी सीरीज के अंदर आप एनरोल करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मैंने आपसे पूछा था वेरियस एक्सरसाइजेस मैंने आपको दी थी, बताएं मुझे किस कंट्री के साथ हम ये सारे एक्सरसाइज करते हैं, डेजर्ट नाइट, गरुड़, वरुण, शक्ति। अब आप मुझे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको इन्हीं चारों एक्सरसाइज के बारे में बताया था कि इसमें से आर्मी की कौन सी है, नेवी की कौन सी है, एयरफोर्स की कौन सी है। देखिए इसे कहते हैं एक स्टेप आगे जाना, ठीक है, कंपेयर टू योर कंपेटिटर्स। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको इनके बारे में पता होगा, जो लोग अच्छे से तैयारी करें सीरियस कैंडिडेट को पता होगा कि ये चारों एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं, फ्रांस के साथ करते हैं। लेकिन एक जो एक्चुअल में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, जिसको पता है कि मुझे दूसरों से ज्यादा पता होना चाहिए, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, तो वो इन चीजों को भी नोट डाउन करके जरूर रखेगा कि डेजर्ट नाइट एंड गरुड़ एक्सरसाइज जो ये एयर एक्सरसाइज है, वरुण और शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो एक लेवल फर्दर डीप जाकर मैं आपको देता हूं वो भी आपको रिटेन करनी है, क्योंकि एग्जाम में जब वो इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी बाकी लोगों को नहीं पता होगा लेकिन आपका वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वरुण एक्सरसाइज नेवी की है या आर्मी की है, शक्ति नेवी की है या आर्मी की है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नहीं पता तो पीछे जाके एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए जब हमने क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सप्लेन किया था। यहां पे मैंने आपको फ्रांस का बॉर्डर दिखा दिया था। देन हमने क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कशन किया था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च संकल्प से सिद्धि, मैंने आपको यहां पे ट्राइफेड का नाम बताया था। अलग अलग गांवों को कवर किया जाएगा, 100 विलेजेस इन ईच रीजन, 1500 विलेजेस पूरे के पूरे कंट्री के अंदर कवर किए जाएंगे, जिसमें लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा किस चीज के लिए, वंदन विकास केंद्र के क्लस्टरिंग के लिए, ट्राईफूड के लिए, स्फूर्ति के लिए। चलिए फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर डिस्कशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने देखा था ट्राई फूड को लेकर कौन कौन सी मिनिस्ट्री शामिल है, तो मैंने आपको बताया था दो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री है। एट द सेम टाइम ट्राइफेड एज एजेंसी वो भी इसके अंदर शामिल है, जो कि वैसे ही ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इसमें होगा क्या, जो आपके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, देखिए ध्यान रखिए कल ही मैंने आपको बताया था कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं, अदर देन टिम्बर, टिम्बर इसमें नहीं था याद आ रहा है ना, क्योंकि टिम्बर क्या था, टिम्बर एक मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। तो टिम्बर के अलावा जो आपके पत्ते होते हैं, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, कुछ आपके फूल होते हैं, वो सभी चीज़ें आपके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर आती हैं और उनको बढ़ावा देना, उनके अंदर वैल्यू एडिशन करना, ताकि उनको इंडियन डोमेस्टिक मार्केट्स एज वेल एज फॉरन मार्केट्स के अंदर सेल किया जा सके। ये सभी चीज़ें जो है ट्राई फूड के अंदर करी जा रही है और ये ट्राई फूड स्कीम जो थी पिछले साल ही 2020 के अंदर अगस्त के महीने में लाई गई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं क्या डिस्कशन किया था हमने, सदाबहार मैंगो। तो कोटा के जो किसान हैं
उनके द्वारा ये लाया गया है, उनके द्वारा ये इन्वेंशन करी गई है। स्वीटर होते हैं टेस्ट में, मिठास ज्यादा होती है, पल्प के अंदर फाइबर कम होता है, और राष्ट्रपति भवन के अंदर भी इन मैंगो, क्योंकि इनका साइज जो है छोटा होता है, इनको उगाया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन हुआ था पर्सनैलिटी को लेकर, तो हमने यहाँ पे जगजीवन राम जी के बारे में डिस्कशन किया था। उनको बाबूजी के तौर पे भी जाना जाता है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, और 113वीं बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर अभी ट्रिब्यूट्स उनको पे करेंगे प्रधानमंत्री के द्वारा। इस वजह से पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अभी हम प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो प्रिलिम्स का क्वेश्चन आपके सामने है, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज क्या है, किसके साथ करी जाती है, ये सब चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेट्स सी कितने लोग इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। मेंस के लिए मैं आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल यहां पे पूछने वाला हूं, एंड द क्वेश्चन इज हाउ इंडो पैसिफिक रीजन इज अंडर थ्रेट। हम बार बार बात करते हैं क्वाड को लेकर भी, वैसे आज हमने फ्रांस को लेकर भी बात करी, इंडो पैसिफिक रीजन जो है अंडर थ्रेट कैसे है और वेरियस कंट्रीज इसके लिए क्या क्या कदम उठा रही है, ये आपको 150 वर्ड्स में आंसर करना है। लेट्स सी आप क्वेश्चन को समझ के इसका आंसर कैसे करते हैं। और इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ आफ्टर बिकमिंग द सिविल सर्वेंट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन पॉलिटिक्स। बहुत बार ऐसा होता है, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो यस, मेरे भी कुछ सीनियर्स थे जिनको की अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने पॉलिटिक्स में शिफ्ट किया और जीते भी सही। तो यहां पर अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाने के बाद पॉलिटिक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या आप उसको लेंगे, लेंगे तो क्यों लेंगे, नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, सो इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यस, क्या आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है कि नहीं है, और क्या आप सिविल सर्विसेज के बाद ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप जरूर करिएगा। मेंस और इंटरव्यू के ग्रुप्स आपके सामने हैं, यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, और यहां पर अपने अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं। दीज आर द सीरीज जिसके अंदर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्री 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, थोड़े दिनों के लिए ही कोड जो है एक्टिवेट रहने वाला है, और आप यहाँ पे स्ट्रेट 50% डिस्काउंट जो है वो ले सकते हैं जिस भी सीरीज के अंदर आप जाना चाहते हैं। जो लोग इस साल एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि 100 डेज की सीरीज नाउ इट इज अ गुड सीरीज, क्योंकि इसके अंदर आपके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हो सकता है वैसे प्रिपरेशन के दौरान आपके रह गए हों वो सभी कवर हो जाते हैं। तो इसके अलावा जल्दी से अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, कितना आपने टारगेट सेट किया था और कितना आपने अचीव कर लिया है। चलिए 6-6 से ज्यादा के देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन, लेकिन यस मैं पिछले कुछ टाइम से ये भी देख रहा हूं कि काफी सारे लोग 10/10 9/10 भी स्कोर कर रहे हैं, जो लोग पहले कम स्कोर किया करते थे। मींस कि रेगुलर बेसिस पे लेक्चर देखने का उनको फायदा हो रहा है और उनके जो स्कोर है वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। उनके मैसेजेस भी मेरे पास आते हैं टेलीग्राम के ऊपर कि उनका जो स्कोर है वो कंसिस्टेंट बेसिस पे इंप्रूव हुआ है। तो जिन लोगों के स्कोर कम आ रहे हैं उनको मैं यही कहूंगा कि देखिए लूज मत करिए अपनी होप को, हार मत मानिए, शुरुआत इसी नीचे वाले ब्रैकेट से ही जिसमें 0, 1, 2, 3 मार्क्स आते हैं यहीं से होती है। मेरी भी शुरुआत यहीं से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ते जाते हैं और वही चीज़ यूपीएससी भी एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लूज मत करिएगा, अपनी होप को मत जाने दीजिएगा, डेली बेसिस पे एनालिसिस जरूर करिएगा, डेली बेसिस पे एमसीक्यूज को सोल्व करिएगा और देखिएगा कि कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट को ला सकते हैं। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीग्राम का ग्रुप नीचे इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू वेरी सून, टेक केयर, गुड बाय।